गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। मेरा नाम किशन साय। अभी तक हम एपी की 20 ईयर सीरीज में 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2019 में 5 मार्क्स का हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी, एपी के फर्स्ट फोर टर्म का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40, मतलब हमें क्या दिया हुआ है S4 इक्वल टू 40, और हमें पता है Sn क्या होता है, Sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t, ठीक है, और n की जगह कितना रखना है 4, तो ये यहां से कितना हो जाएगा S4 इक्वल टू 4 by 2, ध्यान से देखना 2 इंटू a प्लस n की जगह कितना रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू t, तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो इससे ये कट गया 2 टाइम में, तो 2 इक्वल टू 2a प्लस कितना बचेगा 3, और 3 के d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d, तो यहां से कितना आ जाएगा s4, तो ये कितना आ गया मेरा s4, अब 2 को अंदर भेज दो तो 2 2 या 4a प्लस 6d इक्वल टू 1, यहां तक समझ में आया। अब देखना ध्यान से दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एंड डेट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, फर्स्ट 14 टर्म का सम कितना दिया हुआ है S20, मतलब S14 इक्वल टू 280, और हमें पता है सेम यही फार्मूला, तो अब n की जगह 14 रखना है, तो S14 इक्वल टू 14 बाई 2 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू d, तो यहां से देखो ये इससे कट गया कितना आ गया 7, तो 7 इक्वल टू यहां से कितना बचेगा 2a प्लस 13d, और यहां से ये S14 चल रहा था, तो S14 कितना आ जाएगा हमारे पास 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू 14a प्लस 13 97 91 91d, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना हमसे कहने वाला क्या कह रहा है, ध्यान से देखो हमसे ये कहना चाह रहा है, एक मिनट बस, हाँ देखो ध्यान से, अब हमसे क्या निकालने को कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ठीक है, तो ये आपने इरेज लिख लिया होगा, इतना मैं इरेज कर देता हूं, तो देखो ध्यान से ये बन गई एक इक्वेशन और ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन क्या बनी हमारे पास 4a प्लस 6d इक्वल टू, और s4 कितना दिया हुआ है 40, और यहां से कितना आएगा 14a प्लस कितना आ रहा है 91d, और ये कितना दिया हुआ हमें 280, यहां तक समझ में आया, यहां पे क्या दिया हुआ है इसकी वैल्यू रख दी s4 की और s14 की, ठीक है, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन 2। अब हमें क्या निकालना है sn, तो sn क्या होता है sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, और यहां पे हमें n दिया नहीं है, n नहीं दिया है तो मतलब a और d निकालना है, a और d निकालने के लिए क्या करेंगे, दो इक्वेशन है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको सोल्व करेंगे, तो करेंगे कैसे ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देखो, क्या इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा 2a प्लस 3d इक्वल टू 40, अब इससे ये कट जाएगा तो इधर से कितना आ जाएगा 20, तो क्या बन गया मेरे पास 2a प्लस 3d इक्वल टू 20, ये हो गई इक्वेशन थर्ड, और यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है a 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन गया तो मैंने क्या बचा यहां पे 2a प्लस 13d इक्वल टू 280, अब ये देखो 7 से ये कट जाएगा पूरा कितने टाइम में 4 टाइम में, तो इतना जैसे कितना आ जाएगा 2a प्लस 13d इक्वल टू 40, ये हो गई इक्वेशन 4, क्यों किया मैंने ऐसा देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, यहां से अब मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूं, क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है 2a प्लस 3d इक्वल टू 20, और ये कितनी आ रही है 2a प्लस 13d इक्वल टू 40, अब देखो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते तो हम इसको एलिमिनेट कर देते, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो कितना आ गया ध्यान से देखो ये इसे कट गया, यहां से कितना बचा माइनस का 13 में से 3 गए तो 10d, इधर से कितना बचेगा माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कर दिया तो d इक्वल टू 20 बाई 10, मतलब d इक्वल टू 2 आ गया,
डी टू आ गया ना, अब डी को किस इक्वेशन में रख लो, थर्ड इक्वेशन में। तो देखो ध्यान से क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन कौन सी है भाई, ये तो इसमें रख देते हैं 2 ये रहा ऐसे, a प्लस 3 ऐसे रहा, d जो है कितना रखना है 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये हमारा हो गया ना इतना, देखो तो इसको सॉल्व करो तो 2a प्लस 6 इक्वल टू 20, तो यहां से कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 20 माइनस 6, तो 2a इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 अपॉन 2 मतलब a इक्वल टू 7। a और d आ गए अपने पास, a और d आ गए, उसको पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में जो यहां पर है, तो d कितना आया था 2, तो यहां पे रख दो, तो sn ऐसे रहा, n हमें पता नहीं कि ये हमें निकालना था, तो यहां पे कितना आएगा 2 into a ये कितना आएगा 7 प्लस फिर से n माइनस 1 ऐसे रहा और d जगह कितना आएगा 2। तो यहां से देखो ध्यान से क्या आ रहा है, अब ध्यान से देखो इस पूरे में से क्या 2 को मना रहा है, यहां से भी 2 और यहां से भी 2, तो 2 को बाहर निकाल देता हूं, तो कितना हो जाएगा ये n by 2 into 2 बाहर आ गया, तो देखो ध्यान से ये sn के इक्वल है, यहां से क्या आएगा 7 प्लस इधर से क्या बचेगा सिर्फ n माइनस 1। अब इसको देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो n ऐसे ही रहा, यहां से कितना आ गया 7 प्लस n माइनस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा ये n ऐसे ही रहा, तो 7 में से 1 गया तो 6 प्लस n, और इसको n को अंदर भेज दो तो ये किसी इक्वल चल रहा था sn, तो sn कितना आ जाएगा हमारे पास 6n प्लस n स्क्वायर, यही सारा आंसर है जो हमसे पूछ रहा था। बताना क्या मुश्किल था इस सवाल में, कुछ था मुश्किल, देखो ध्यान से आराम से, 2019 में 5 मार्क्स का आया हुआ है, आराम से नोट डाउन करो, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 12 था ये हमारी सीरीज में। और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और इससे पहले मैं अब तक 13 क्वेश्चन करा चुका हूं, एपी के चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2020 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है उनको जाके देखो, वो आपकी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आपको बताएंगे कि बोर्ड में एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।